सिंगरौली जिले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि दिल्ली के बाद देश का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित जिला सिंगरौली हो गया है। यहां प्रदूषण यहां रहने वाले लोगों के लिए खतरे की घंटी है, इसलिए इस दिशा में सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जिले के कई विस्थापितों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि एक और जहां विस्थापितों को कई कंपनियां रोजगार नहीं दे रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर निजी कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि सरकार को इस ओर ध्यान देते हुए आदेश करना चाहिए ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके। अगर सिंगरौली के विस्थापितों को समय पर मुआवजा नहीं मिला तो वह जल्द ही उग्र आंदोलन करेंगे। कल हम गए महान, वहां पर जो रोजगार नीति है वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर ठेकेदारों के माध्यम से उनको रखा जा रहा है, जो उनका दैनिक मजदूरी बनना चाहिए वो भी नहीं मिल रही, 8,000 7,000। तो प्रदेश के मुखिया जी, श्रम मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को आपको देखना चाहिए कि यहां के प्रदेश के युवाओं को आप 2,00,000 नौकरी की तो बात करते हो, लेकिन जो कंपनियां यहां पे काम कर रही है उनको आप नौकरी के नाम पर न्यूनतम मजदूरी, दैनिक मजदूरी नहीं मिल रही। इस पे तत्काल सरकार को आदेश करना चाहिए ताकि यहां के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, यह समझना चाहता हूं।